सो दिस इज़ द मेडिसिन काली ब्रोम, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एंड रेगुलरली प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन है एक्ने पिंपल्स के लिए। बट इसके सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, आपके सिम्टम्स और इसके सिम्टम्स जो हैं एक्ने इसके वो मैच होना चाहिए, तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम क्विकली जानेंगे कि काली ब्रोम आप किस तरीके के एक्ने पिंपल्स को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपको कैसे यूज़ करनी है, बेस्ट वे क्या है इसे यूज़ करने का। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ सब हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं काली ब्रोम के बारे में, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। पोटेशियम ब्रोमाइड इसका दूसरा नाम है। बहुत सारे इसके इंडिकेटिव की नोट सिम्टम्स हैं, जिसमें से प्रिस्क्राइब किया जाता है। बच्चों के लिए ये बहुत यूज़फुल रेमेडी है, बट स्पेशली आज इस रेमेडी का हम स्किन के ऊपर एक्शन जो है उसके बारे में बात करेंगे, एंड स्पेशली बात करेंगे कि काली ब्रोम एक्ने पिम्पल्स में किस तरह से हेल्पफुल है, कौन से एक्ने पिम्पल्स को ये ठीक करने में हेल्प करती है और कैसे आपने इसे यूज़ करना है। सो अगर आप एक्ने पिंपल्स से सफ़र कर रहे हैं या उनके डार्क स्कार्स स्पॉट से सफ़र कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं इसी तरीके से हेल्थ, स्किन केयर, हेयर केयर एंड होम्योपैथिक मेडिसिन पर वीडियो लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। तो बिना देर किए इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक्ने पिंपल्स यानी कि कील मुहांसे एक ऐसी समस्या जिसको लेकर हमारा कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज जो हमारी अपीरेंस होती है उसमें हमको ऐसा लगता है कि फ़र्क आ रहा है। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है इससे। मेल्स, फीमेल्स, गर्ल्स, बॉयज़ इक्वली इससे सफ़र करते हैं और सब में एक बराबर की चिंता वाले पेशेंट्स जो हैं मुझे देखने मिलते हैं, स्पेशली मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो। तो एक्ने पिंपल्स के ट्रीटमेंट में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है काली ब्रोम, जो पोटेशियम ब्रोमाइड जिसका कॉमन नेम है, बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। बट काली ब्रोम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके की नोट सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के एक्ने पिंपल्स और उनके स्कार्स को ठीक करने में ये हेल्प करती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ दी मेडिसिन, ये मेरे पास काली ब्रोम 30 है। काली ब्रोम 30 मैं यूजुअली प्रिस्क्राइब करती हूँ। डॉक्टर रेक्वेक का डायल्यूशन है ये। अगर आप यूज़ करेंगे तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। स्किन पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है वो बहुत अमेजिंग है। एक्ने पिंपल्स में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। किस तरीके के एक्ने पिंपल्स में ये हेल्पफुल है, तो एक्ने सिंप्लेक्स, एक्ने इंड्यूरेटा, पस्चुलर एक्ने यानी कि पस वाले एक्ने, या फिर बिल्कुल रेडिश कलर के जो एक्ने होते हैं, इस तरीके के एक्ने में काली ब्रोम बहुत इफेक्टिव है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ काली ब्रोम एक्ने इज कि अगर ब्लूइश रेड कलर के एक्ने होते हैं, थोड़े से रेड दिखते हैं, एंड जो उनकी अपीरेंस है वो ब्लूइश है, दो कलर की है, नीले और लाल, ऐसे एक्ने अगर आपको दिखते हैं तो काली ब्रोम बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा एक्ने अगर आपके फेस पे हैं, साथ साथ में चेस्ट में हैं, बैक में हैं एंड शोल्डर में हैं, तो काली ब्रोम लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जब भी काली ब्रोम आप ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो ये सिम्टम्स आपको फाइंड करना है कि आपके जो एक्ने हैं वो किसी भी टाइप के, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्ने में ऐसा कहा जाता है कि आप काली ब्रोम यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल एक्ने में, पस्चुलर एक्ने में, जो एक्ने रेड और ब्लू कलर के दिखते हैं और साथ में जो एक्ने आपको फेस में, चेस्ट में, बैक में और शोल्डर्स में हैं, ऐसे एक्नेज में काली ब्रोम बहुत अमेजिंग काम करती है। नाउ स्कार्स की बात करें तो ऐसे एक्नेस जो हील होने के बाद डार्क पिगमेंटेड स्कार्स छोड़कर जाते हैं, तो काली ब्रोम लेने से बेनिफिट मिलता है। यंग लोगों में अगर एक्ने का प्रॉब्लम है और साथ में ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलते हैं, तो काली ब्रोम लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। काली ब्रोम आप लेंगे किस पोटेंसी में और कैसे? सो काली ब्रोम जब आप स्टार्ट करते हैं तो 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना इज़ गुड। तो काली ब्रोम 30 अगर आप इस तरीके से डाइल्यूशन में लेकर आए हैं, तो 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग ले लीजिए दिन में 3 बारी, और अगर आप पिल्स में मेडिकेट करा के लाए हैं, जो वाइट शुगर पिल्स होती हैं, स्वीट पिल्स होती हैं, तो आपको उसकी 2 से 3 गोलियां दिन में 3 बार कंज्यूम करनी है चूस कर। ऐसे आप इसे कंटिन्यू करिए फॉर 15 डेज, फॉर 20 डेज, देन अकॉर्डिंगली अगर आपको आराम मिलता है
तो अराउंड 1 month आप 30 पोटेंसी में लेके इसका जो पोटेंसी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि फिर काली ब्रोम आप 200 ले लीजिए, बट उसे आपको रिपीट नहीं करना है. आप उसे एवरी ऑल्टरनेट डे लीजिए, फिर उसके बाद वंस इन अ वीक लीजिए, फिर वंस इन अ 15 days लीजिए, और फिर अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप काली ब्रोम लेना बंद भी कर सकते हैं. काली ब्रोम अगर हर तरीके के एक्ने वाले पेशेंट यूज़ करते हैं तो मिलेंगे, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. एक्ने बहुत ज़्यादा जल्दी श्रिंक हो जाते हैं काली ब्रोम लेने से. एंड सेकेंड की स्कार्स पिगमेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, तो आपको आराम मिलेगा बट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा. बट अगर आप सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर काली ब्रोम को ले लेते हैं, जो सिम्टम्स अभी मैंने मैंशन किए, जो इसके की नोट्स अगर आपके मैच कर रहे हैं इस मेडिसिन के साथ, तो फिर आपको बहुत ही अमेजिंग 100% रिजल्ट काली ब्रोम से मिलेंगे. तो ये है तरीका इसको यूज़ करने का, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है. अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छी तरह समझ लें और फिर यूज़ करें, या फिर आप अपने किसी नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से इस बारे में जाकर डिस्कस कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट्स बता सकते हैं और ये मेडिसिन पर्टिकुलर डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे. आप हमसे ई कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसका नंबर मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, जिसमें आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और उसके बाद फिर हम कॉल में डिस्कशन करेंगे. तो दोस्तों, ये थी काली ब्रोमेटम के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स फॉर एक्ने पिंपल्स. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी. इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज. लव यू ऑल. बाय.